काला जादू या तंत्र मंत्र, यह शब्द आज के समय भी कई बार सुनने को मिल जाता है। काला जादू से जुड़ी बातों में कब कितनी सच्चाई है तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन भारत में आज भी काला जादू किया जाता है। तो आज अगले वीडियो में हम बताने जाने वाले चार ऐसी जगह जहां आज भी काला जादू किया जाता है भारत में। नंबर वन, निमतला घाट कोलकाता। कोलकाता के निमतला घाट पर आज भी यहाँ काला जादू और तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। निमतला घाट में आज भी रात को गुप्त तरीके से काला जादू का अभ्यास किया जाता है। शमशान घाट में आज भी यहाँ देर रात तक अघोरी रुकते हैं। नंबर टू, मायुंग आसाम। मायुंग गांव आसाम में स्थित है। काला जादू के लिए आसाम में भी प्रसिद्ध है। आसाम का मायुंग गांव भी तंत्र मंत्र के मामले में हमेशा में चर्चा में रहता है। आसाम के इस मायुंग गांव का नाम लेने से भी लोग डरते हैं। मायंग गांव असम के गुवाहाटी शहर से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नंबर थ्री, शमशान घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत की धार्मिक नगरी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट वाराणसी में है। इस शमशान घाट के बारे में बताया जाए कि यहाँ की रात कभी ठंडी नहीं पड़ती। इस शमशान घाट में रात को अघोरी तंत्र साधना करते। इन अघोरियों का मानना कि यहाँ तंत्र साधना देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते, जिसके उनके आम इंसानों की उपेक्षा में अधिक ताकत मिल सके। नंबर फोर, कामाख्या मंदिर आसाम। कामाख्या मंदिर, ये मंदिर भी आसाम के गुवाहाटी के नज़दीक है। इस मंदिर में भी दूर दूर से अघोरी, तांत्रिक, काला जादू तथा तंत्र मंत्र की साधना करने आते हैं। आसाम की इस जगह को सिंधु तंत्र स्थान भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ तांत्रिकों और अघोरियों का मेला लग जाता है। यहाँ पर सभी अलग अलग तरीके से अपने तंत्र साधना में लीन हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।